एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। तो आज है मंडे। मंडे बैक टू रूटीन, हम सारे जा चुके हैं, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। मैं अभी सो के सुबह उठ के मैंने किचन विचन साफ किया था, अभी फिर मैं सोई हूँ और अभी मैं बना रही हूँ आयमा के लिए चिकन पुलाव, क्योंकि उसका तो रोज़ा नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा ना बोटियों का, ताकि वो जो है आके स्कूल से खाना खिला सकूँ। दो पिज़्ज़ा भी पड़ा है बट मेरे ख्याल में थोड़ा सा ये खा लेना तो ताकत आ जाएगी उसको, वो बेचारी की करे, उसका तो रोज़ा नहीं है। सो इसीलिए मैंने कहा मैं थोड़े से ना चावल, यार ये प्याज काट काट के ना मेरी आंखें ख़त्म हो जाएंगी। बाकी ये ठीक रहा सब कुछ, बच्चे स्कूल हैं, आज देखें रोज़ा कैसा गुजरता है, अच्छा ही गुजरेगा इंशाल्लाह ताला। बाजी रात को लेट सोई थी, नींद मेरी वही वाली बात है। चले फिर मैं खाना बनाती हूँ, बिलाल की मीटिंग चल रही है तो बिलाल साहब बात करें तो बेहतर है कि जैसे ही मैं इफ्तारी बनाती हूँ फिर आप लोगों से बात करती हूँ। मुझे लगता है ये पूरा महीना ना मेरा यहीं पे रिकॉर्ड करते ख़त्म हो जाएगा और आपका भी पूरा महीना ना यहीं पे मैं ज़ाया कर दूँगी और कोई हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि रमज़ान में सिर्फ दो तीन ही काम हो रहे होते हैं, इबादत हो रही होती है या फिर खाने की बातें हो रही होती हैं और हमारे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा होता। तो आई थिंक यही हो रहा होगा आप लोगों के घर में भी। मैं दरवाज़ा बंद कर लूँ, बिलाल की मीटिंग चल रही है। मैं इधर लॉन्ड्री में आई हूँ एक काम के सिलसिले में ना, ये वाइट शर्ट ये जो है, अब इनके ना देखें कॉलर्स पे जैसे देखें ये निशान पड़ जाते हैं ना, और इसकी तो शर्ट पे जैसे ना सामने वो मशीन में धोता है ना, इसके यहाँ पे ना दाग पड़े हुए हैं, नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ऐसे ना वाइट कलर के, ये देखें ये पड़ जाते हैं ना। आप लोग इसे किसे कैसे हटाते हैं, ब्लीच करते हैं, व्हाट यू गाइस डू? पता है मैं क्या करती हूँ, अभी इसका भी करती हूँ और आयमा का भी करती हूँ। नॉर्मली आए यहाँ पे एक आता है, वैसे पहले व्यू बाहर देख लें, गर्मी है, यहाँ पे आता है एक पिंक सॉल्यूशन, ये मैंने दो तीन साल पहले लिया हुआ, दो साल हो गए होंगे, ठीक है। इसके ना बड़े फ़ायदे हैं, इससे ना ये सारे काम घर के पोचे, अगर आप मतलब वो चाहती हैं एंटीसेप्टिक चाहती है पर कोई इफेक्ट नहीं चाहती, कोई स्मेल नहीं चाहती या कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहती, तो ये देखें गाड़ी भी साफ़ कर सकते हैं, पोचे भी लगा सकते हैं, वॉशरूम भी, बट मैं सब कुछ नहीं करती। इनिशियली व्हेन आई बॉट इट मैं इस इंटेंशन के लिए, थोड़ा सा महंगा आया था, 50-60 का आया था, 70 का आया था, कुछ ऐसे का आया था, तो लिखा हुआ ये सारा, ठीक है। तो मसला ये हुआ था कि इसमें सॉल्यूशन बनाते हैं, लेकिन अभी मैं आपको सॉल्यूशन बने बगैर बता देती हूँ। इसमें कोकोनट है, कोकोनट ऑयल है और मेरे ख्याल में बेकिंग सोडा है, कुछ ऐसी बना हुआ है, इसमें कोई इंग्रेडिएंट जो है ना डेंजरस नहीं है। इधर सारे लिखे हुए हैं, कहाँ लिखे हुए हैं भाई मेरे, तो जो भी है मैं अभी वैसे आपको बता देती हूँ। इसमें सॉल्यूशन बनाना पड़ता है, ठीक है। अब तो ये खैमा आ गई थी, मुझे काटना पड़ा, मैंने कहा ये अंदर से ना ऐसे, अब तो बेचारे की हालत ख़त्म, ऑलमोस्ट एंड होने आया है, इस तरह का होता है, ठीक है। ये जो डब्बा छोटा पड़ा हुआ ना ये स्टोव के लिए, ये वाइट होता है, ये रंग मैंने वैसे ब्रश व्रश डाल के कुछ हो गया, इन इट्स ऑफ वाइट जस्ट लाइक दिस, दिस इज़ द कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो ना वैसे तो पोचा वोचा या सॉल्यूशन बनाने के लिए, जैसे आप टेबल्स वगैरह करने या क्लींस करने, इसका तो सॉल्यूशन इसको गर्म करके और फिर गर्म पानी में मिक्स कर देते, लिखा हुआ है सब कुछ मेल्ट एंड मिक्स, ठीक है। तो अलबत्ता मैं जो हूँ ना क्या कर देती हूँ, जैसे ये बिलब्बा इसकी कॉलर्स है ना, इन पे इसको अपनी से लगा के इसको हल्का सा गीला करूँगी और कोई ब्रश व्रश ले लें जो आपने आपने रखा हो सफाई के लिए, उससे आप इसको रगड़ें जहाँ जहाँ इसकी शर्ट पे निशान है, और फिर धो, जब आपने शर्ट्स धोनी है ना, वैन यू हैव टू वॉश इट, भले ये मतलब इसको भले ड्राई भी कर दें लेकिन आपने जब वॉश करनी है, अभी थोड़ा गीला करके आप ये दाग शाग निकाल देंगी, अभी नहीं निकलेंगे इवन, बस इसको रहने दें, जब वॉश डिटर्जेंट उसके बाद जब आपने वॉश करना हो तो डिटर्जेंट के साथ अब जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा गीला करके मैं इसको ना ब्रश के साथ करूँगी, ये जो नॉर्मल टूथब्रश जो होते हैं ना आपने रखे होते हैं कुछ सफाइयों के लिए छोटे छोटे दाग, जैसे ये दाग है ना, अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये क्लियर नज़र आ रहा है ना, अब मैं इसको मिटा के, अभी नहीं मिटेगा, जब वॉश होगा ना, वॉश होने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी शर्ट आज साथ में ऐसी भी, मुझे बड़ा ये फ़ायदेमंद लगा, वो भी इफेक्ट नहीं है, आयमा की भी वाइट शर्ट पे दाग लगे होते हैं, सो अभी मैं ये दोनों शर्ट्स को करती हूँ, ठीक है जी।
रीमा, व्हाट आर यू डूइंग? रीडिंग. आर यू डूइंग योर होमवर्क? अब मेरे पास मल्टीपल मतलब काम हो गए. आई एम सॉरी, कीप रीडिंग. ऊपर बिलाल की आवाज़ आ रही है ऑफिस की. आई मैं यहाँ पे होमवर्क कर रही है. अब साथ में अभी मैंने रूह अफ़ज़ा बना के रखी है. आज मेरा सिंपल दही भले बनाने का मूड नहीं हो रहा, तो मैं दही भले चाट बनाऊंगी जिसमें चने भी डालूंगी, आलू भी डालूंगी और क्या कहते हैं टमाटर और प्याज और धनिया, क्योंकि मैं ना चना चाट मिस कर रही हूँ. और मेरा, मैंने आपको बताया ना कि सेकेंड वाला बेटा मेरा खाता ही स्पेशली चने हैं, बट मैंने कहा तो वो फिर चने उसके अलग से बनाने हैं, वो मैं मिक्स नहीं कर सकती, तो इसलिए मैं बला चाट बना रही हूँ. बूंदी भी पड़ी हुई है, आज बूंदी के नहीं, आज बलों के बनाऊँगी. दो तीन दिनों में बूंदी चाट भी बनाऊँगी, वो भी मुझे बहुत पसंद है. सारी चीज़ें, रोज़ा हो तो सब कुछ ही पसंद हो जाता है, जो चीज़ें नहीं पसंद है. बाकी ये ड्रेस मैं आपको दिखा देती हूँ. दिस इज़ द ड्रेस. मेरे ख्याल में ये है, इसको ब्लॉक प्रिंट कहते हैं ना, क्या कहते हैं, शर्ट है उस पर ये बटन्स लगे हुए हैं, दैट्स इट. नीचे ट्राउज़र है. और आप मानेंगे नहीं कि ये ड्रेस भी कोई इतना नया नहीं है, बट वन ऑफ माई फेवरेट. कम पहनती हूँ मैं, मैंने आपको बताया शलवार कमीज मैं बहुत कम पहनती हूँ रमज़ान में, या किसी की मतलब आप लोग कहें या कोई कपड़े आ रहे हों या आगे पीछे, कोई इतना मुझे कोई ख़ास. बट आई लव दिस लॉन्ग शर्ट, सी कितनी प्यारी लगती है ना. अपने ही दिल में मुझको रख ले. चलो, मेरे तो बॉलीवुड शुरू हो जाता है ना, मैंने बॉलीवुड यहाँ पे खुला हुआ, पता नहीं कहाँ कहाँ से मेरे दिमाग में गाने चलते हैं, वर्ड्स भी मैच नहीं कर रहे होते. अब बिलाल मुझे कहता खामोश, मैंने मीटिंग चल रही है. चले टाइम जाए कि बिना अपना बला चाट बनाते हैं, फिर मेरा फ्रूट चाट करना है, पकौड़े करने हैं, चने करने. आज तो फुल ही इफ्तारी होगी, तो सारा कुछ करना है. चले फिर, तो चले आ जाए. आपकी पॉपुलर शेफ आ चुकी है किचन में. मैं रूह अफ़ज़ा बना चुकी हूँ, बिलाल की मीटिंग चल रही है इसने अभी एक दो मिनट के बाद. और मैं इतनी फेमस हो गई हूँ शेफ, अब कुकिंग तो मेरे बगैर होती नहीं है ना, किसी की, किसी का कुछ गुजारा होना नहीं है. तो आज हम सिर्फ दही भले नहीं बना रहे, धनिया, आलू, एक टिन जो है वो उसका चिक पीस का, टमाटर ये काट के छोटे छोटे, प्याज. तुम रीडिंग करो, यहीं गई अच्छी होगी. मेरे मल्टीपल काम चल रहे हैं, इसका होमवर्क चल रहा है. हाय, मैं क्या देख रही. आजा जरा पाकिस्तानी मूव करके बताओ. Nothing, nothing. I was not doing anything. Yeah, sugar. It's salt. Can you bring the sugar for me from there? Sugar from there? Oh, yeah, from the tea corner. No, just bring it over here. White one, not brown one. Brown one is for tea. बल्लों को हमने ब्राउन शक्ल ही देनी. बेटा मैंने अभी सफाई की है. Please. उंगली लगाओ उसको. ऐसे नहीं करते तुम. यार क्या यार, अभी इसने आइसक्रीम खाई है, टेबल पे बैठ के खाओ उधर. चलो चले जी, दही बल्ले करें मिक्स. वाटर देखे मेरा, पता है कि मैंने सहरी नहीं करी हुई. एक मिनट में बोलिया. इट्स ओके. वो मैं आप लोग को बता रही थी कि मैं सोच रही हूँ कि ना अब ना दो तीन दिनों में ना खाने पे ले आऊँ. अब बहुत हो गया मजाक, ठीक है. लेकिन मसला ये है कि खाना बनाऊँ ना तो उस दिन सबकी शक्लें बनी होती है, जबकि आज मुझे कुकिंग भी करनी पड़ी. अब इसका खाना तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती ना, तो इसके लिए मैंने चिकन पुलाव वो छोटा बनाया हुआ था एक ग्लास का ना. तो अब जो है अभी रात को मैं इसको खिलाऊंगी, क्योंकि उस बेचारी क्या, वो क्या करे, वो तो नहीं खाती है सहरी इफ्तारियाँ, उसने तो उसको प्रॉपर खाना चाहिए. And the proper is... तो आपका जो मसाला वासावा है, जो आपने चने आओ प्याज, आज मैं मिक्स चाट बना रही हूँ क्योंकि मेरा दिल कर रहा है इसके ऊपर इमली और वो पापड़ी एंड में चॉप है आपको डाल लें. इमली तो मैं डालूंगी, मुझे प्याज धनिया और इसकी जो चाट की जो खुशबू होती है ना, मेक्स मी सो हैप्पी. क्या ग्रीनरी, क्या सब्जा है, क्या कमाल है यार, हैक करो यार. अभी से इतने प्यारे हैं तो जब वो डलेगा तो कितने प्यारे हो जाएंगे, है ना.
थोड़ा सा मेरे ख्याल में पानी डाल, दो घंटे हैं तो ये सोख लेगा। और ना आज मैं यही खाऊंगी शौक से। ये हमारे बल्ले आ गए हैं, प्यारे प्यारे सॉफ्ट सॉफ्ट, किससे नरम हो जाते हैं ना। ले इन्हू बस चाट दी खुशबू आ बजे। सी आई ऐसे नहीं करो, डोंट डू दिस कुछ ना। अब आहिस्ते आहिस्ते ना टाइम के साथ मैं अपने बच्चों को नहीं बर्दाश्त करती थी, मैं बता रही हूँ तुम्हें, मैंने बड़ी आज़ादी दी हुई है। मानी ताजो आज इतने तमीज़दार है ना। अच्छा सॉरी, ये देखे बिल्कुल वॉटरी सॉफ्ट बॉस। अच्छा सॉरी, आ जाओ मेरा बच्चा, होमवर्क कर ले, फिर मेरे रोजे के बाद मेरे में जान नहीं होगी तेरे साथ बैठने की। प्लीज़ आप कर लीजिए, प्लीज़ मैम आप चलो रीडिंग करें, फिनिश दोबारा से रीडिंग करें, क्वेश्चंस के आंसर दें। बड़े बड़े बल्ले हैं, बड़े मज़े की चाट है। अभी मैं इसको रखूँगी इमली और वो बाद में लगाऊँगी ऊपर इमली की चटनी। क्या बात है, कमाल ही हो गया ना। ये देखिए इसको निकालो, इसको अंदर डालो, अंदर मिक्स करें। अब बताएं कौन कौन खाना चाहेगा ये मज़े के बल्ले चाट। और ऊपर से पापड़ी, पापड़ी मेरे पास है नहीं, मेरे पास पानी पूरी है, वो काट के डाल दूँ। मैं पापड़ी लाई नहीं, वी आर नॉट अ बिग फैन ऑफ पापड़ी। आई शुड ब्रिंग पापड़ी फॉर दिस चाट नेक्स्ट टाइम आई विल। सी नाउ दिस इज लुक एट द शेप, आप लोगों को नज़र आ रही है। और इसमें बल्ला हो, हाय की मज़े ना। और ये वो वाली नहीं है, फीकी मैं नहीं बनाती, हमारी खट्टी मीठी होती है। आज मैं ये खाने लगी हूँ रात तक, आई विल फिनिश दिस ट्रे। इसको लगाते हैं, बंद करते हैं। लेकिन मैं सोच रही हूँ ब्लॉग की वो थोड़ी सी ना टाइम कम करूँ, क्योंकि लोग नहीं देख पाते 20 मिनट का ब्लॉग ना, 20 मिनट का ब्लॉग जो है ना ज़्यादा है। आई डोंट वांट कि आप लोगों का भी टाइम ज़ाया हो, क्योंकि हमारे घर तो मसले चल रहे होते हैं। मानिया सवेरे बजे घर आ चुके हैं, माज अभी तक बैठे हुए थे, अभी ऊपर चले गए। माज मेरे घर में सोते नहीं, अभी शायद थोड़ा रेस्ट करने गए। महद ज़रूर सोते हैं, महद अपने हाई स्कूल से आकर ना ऑलवेज, मैं खुद भी उसको कहती हूँ कि दोपहर को थोड़ा सा रेस्ट हो जाए करे, फिर शाम को पढ़ाई के लिए ना तुम्हारा ब्रेन एक्टिव होगा। तो वो तो इफ्तारी के बाद से लेकर 2-3 बजे जो पढ़ाई ज़्यादा हो, तो वो बड़े को मैं नहीं रोकती। भाई छोटे का 10 o'clock है, इसका आफ्टर 8 जो है ना शी हैज़ टू बी इन बेड। बड़ों को ना बच्चों को ना टाइम के साथ साथ ना, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर चीज़ पे कंट्रोल करें। व्हाट आई बिलीव इवन आई एम अ गोबी, अपनी फाइट्स ना देख के लिया करें, सेलेक्ट किया करें कि इसकी, और स्पेशली जो बच्चे जिन इसकी पर्सनालिटी है, तो मैं बहुत सारी चीज़ों में इसको आज़ादी देती हूँ, ये मान लेती है बाद में। इट्स नॉट लाइक दिस कि वो मानेगी नहीं, लेकिन ये है कि मैं हर चीज़ पे अपनी नहीं मनवा सकती। आई एम नॉट दैट पेरेंट, नॉट इवन विद एनी ऑफ माई किड्स। आई ट्राई के उनकी, अब उस लिहाज से बड़ी की तो कोई भी बात ऐसी नहीं होती, बहुत कम बातें होती हैं जो नहीं मैं मानती, दूसरे की भी कुछ बातें होती है, 60-70, 70-80 उसकी भी मानती हैं, इसकी थोड़ी सी होती है क्योंकि शी डजंट नो एनीथिंग, इसको समझाना पड़ता है। चले इसको फ्रिज में रखें अपनी प्यारी चाट को। हमारी इफ्तार बन चुकी है, ये मैंने आज ज़बरदस्त बनाया, मिक्स प्ले चाट है तो अंदर सब कुछ है, बहुत ही मज़ा आएगा। ये फ्रूट चाट है, चने आपको पता है, पकौड़े आज मैंने 2 फ्लेवर के बनाए, वो मेरे सेकंड वाले बेटे को पसंद है, ये वाले मिक्स हम सारे खा लेते हैं। बाकी और बाकी आज सिंपल इफ्तारी है, कोई ख़ास नहीं है, बस अल्लाह का नाम लेंगे और इफ्तारी करेंगे। यार आज तो मैं कोई थकी हूँ, मेरे ख्याल में आज मेरी वीडियो भी सही नहीं बनी, साथ में मैंने बर्तन डाल दिए हैं, बस कुछ अभी थोड़ा बहुत सफाई करने वाला है, बड़े बड़े बर्तन धोने हैं लेकिन सॉर्ट आउट करना। ये आयमा, ये मैं रोज़ रात को या सुबह ना उठ के सारी एक लेवल पे नीचे करके कुर्सियाँ करती हूँ, और ये आयमा आके हर चेयर के साथ ना कुछ जो है ना सकून नहीं है ना। ले सारे प्रिंगल्स मुंह में मत डालें, फंस जाएंगे। तो बस ये है, तो चले अब शुरू करते हैं इफ्तारी, इंशाल्लाह आ जाए वो लोग नीचे। तो आज तो आपने आलू के पकौड़े भी बनाए, ये मास की फरमाइश पे बनाए, आपको पसंद है आलू के पकौड़े? हमारी अम्मा जो अंदर अंदर सब कह बनाया करती थी, क्योंकि वही बच्चों में फिर जीन्स आए ना, मसला यही है, साड़ी किस्मत तो डूब गई।
बस कुछ आएंगे। आज मैंने पता है क्या ये किया है बिलाल, बल्लों के साथ ना चने भी डाले और सही चाट बनाई है, ये ट्राई करना, ये अच्छी होगी। I think we were badly missing some nashasta. आई मां आवाज कम करें, इफ्तारी होने वाली है। मास किरण जी की चलें जी, मैं आ गई हूँ पीटीवी की खबरनामे की न्यूज एंकर बन के तैयार होके, दुपट्टा उस स्टाइल में लेके। बिलाल अच्छा मैं तो नहीं हूँ पीटीवी न्यूज, तुम तो एटीएन के भी नहीं जा रहे। अब आपके ये जो सब्सक्राइबर हैं इनको केटीएन का नहीं पता होगा, सिंधी चैनल है साई सिंधी, कुछ पत कर रहा टी बंदर चैनल। मास आप उधर से आ जाओ, वैसे भी आपने कैमरा भी नहीं आना ना, उधर से गुजर जाओ, मैं काट दूंगी इसी पीछे से गुजर रहा है भाई, प्लीज उसको मत देखिए, वो नहीं है कैमरा, मैं आता हूँ। और आज मेरे मास आपके लिए वो बनाए आलू वाले पकौड़े। اللهم اني لك صمت وبك امنت وعليك توكلت وعلى رزقك افطرت اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا تجھ پر ایمان لایا تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے روزہ افطار کیا वो आपको लोग देखना चाहते हैं, ये प्रोग्राम यूट्यूब वाले वो देख सकते हैं, वो चाहते हैं बिलाल भाई बात करें। बिलाल भाई शायद चटनी को डाल देंगे उसमें, क्या चटनी डाल दें, ये तो दिन वाली है। हाँ जी जी और बेटा खुद लो बात कर, भाई आप बैठ लो। This one is, ये मैंने आज चाट इसमें बनाई है, मैं थोड़ी सी टेस्ट करूँ क्योंकि मुझे इतनी क्रेविंग हो रही थी। ये देखें बल्ला और चाट, हाय हाय हाय, बल्ला कितना सॉफ्ट है चेक करें, मजा आ गया। प्याज टमाटर सिलांट्रो, ये है मिक्स प्लेट वाली है। इससे ये पता है मैंने कहाँ से दही भले सीखे थे बिलाल, आपको पता है प्रॉपर वाले, वहाँ पर ना पाकिस्तान में एक मेस थी, वो ना बहुत मिक्स प्लेट इस तरह शाम को बनाते थे, हम वॉक करके वहाँ जाते थे। आज बिल्कुल वही फ्लेवर है, ये देखो बल्ले देखो कितने नरम, बिलाल चेक करो। तो वो ना वो बनाया करते थे ये ना, तो मुझे बहुत पसंद थे। एक दफ़ा मैंने सोचा कि मैं इनसे रेसिपी कुक से बात करूं, मैं ऑफिस में बैठी थी, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा हेड कुक को बुलाया जो वो बल्ले बनाता है, स्पेशली वो हेड कुक नहीं था कुक था, फिर मैंने उससे पूछा, उससे बताया बाजी ऐसे 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 करते हैं। मज़ा आ गया, आज तो मैं सारा दिन यही खाऊंगी, नरम बल्ले चेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, चले हम इफ्तारी करते हैं, आप लोग अपना एंजॉय करो। मानी ये इफ्तारी में वैसे पकोड़े मत खाया करें, क्योंकि ये जो है ना, मैं क्या दिखा दूँ, वो कपड़े जो हम मेरे थे ना, इधर दाग लगा हुआ था ना, नाउ सी इट इज़ ऑल गॉन, नाउ क्लियर, आपकी वाइट शर्ट जो है ना वो तैयार है, बच्चा स्कूल पहन के जा सकता है। ठीक है, वायमा की भी शर्ट है, ये मैंने धो के, वैसे दो ही धोनी थी तो मैंने जेरी लगा दी थी। ठीक है, मैंने कहा आपको अपडेट दे दूं, अब शर्ट्स दोबारा से वाइट हो चुकी हैं। और इन्जॉय करें, अपना ख्याल रखें, रात का टाइम है, बच्चे सो गए हैं, खामोशी है, रात को ऐसे लगता है हमारा घर, बाहर देखें, बाय बाय, टेक केयर।